चलो कल का क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था ध्यान देना और समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर से हॉस्टल की ओर जा रहे हैं, अरे यार हॉस्टल से कोचिंग, लिखना नहीं ध्यान देना यहां पे। कोचिंग का कोई भी टाइम हम सपोज कर लेंगे, जैसे आपकी कोचिंग का टाइम 5 बजे का है, 5 बजे आपको कोचिंग पहुंचना, ये आपके दिमाग में चल रहा है। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का टेस्ट है, कब? रविवार को, ध्यान रख। हॉस्टल से कोचिंग कितने बजे पहुंचना है? 5 बजे। पहले दिन किस चाल से गए थे? 10 की चाल से। और दूसरे दिन 10 की चाल से गए तो लेट हो गए थे आप, कितना लेट हुए थे? 1 घंटा लेट। 5 बजे की कोचिंग है और यदि 1 घंटा लेट हो गए, कितने बजे पहुंचे? 6 बजे पहुंचे, है ना, 6 बजे पहुंचे आप, ठीक है, 6 बजे पहुंचे, यानी कि 1 घंटा लेट है, क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली यदि किसी दिन आप कोचिंग पहुंचने में लेट हो गए, दूसरे दिन चाल बढ़ा के जाओगे, सीधी सी बात है। दूसरे दिन क्या चाल कर ली आपने? 15, है ना, 15 किलोमीटर पर। जब आप 15 की चाल से गए तो 1 घंटा जल्दी पहुंच गए थे क्या? लिखा है ना क्वेश्चन में, चाल बढ़ा लिया आपने तो 1 घंटा जल्दी पहुंच गए उस दिन आप। 1 घंटा जल्दी मतलब 5 बजे की बजाय कितने बजे पहुंच गए? 4 बजे। कितने बजे पहुंच गए आप? 4 बजे, क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए आप, है ना, आप पहुंच गए 4 बजे, है ना, ठीक है, 1 घंटा जल्दी पहुंच गए। अब सुनो, फिर से मैं बताता हूं, देखो ऐसा है, इस दिन आप लेट हो गए, इस दिन चाल बढ़ाई तो जल्दी पहुंच गए, तो कोई तो ऐसी चाल होगी जिससे समय पे पहुंचे आप, चलता ना इतना दिमाग, मतलब कोई तो ऐसी चाल होगी जिससे हम टाइम पे पहुंचे, है ना, ठीक है। 10 की चाल से गए तो लेट हो गए 1 घंटा, दूसरे दिन गुस्सा आया, चाल बढ़ाई, 1 घंटा जल्दी पहुंच गए, तो सीधी सी बात है कोई तो चाल होगी इसके बीच में जो हमें एग्जैक्ट 5 बजे पहुंचा दे। तो एक तो वो चाल निकालनी हमें इस क्वेश्चन में, सही चाल, करेक्ट स्पीड, है ना, करेक्ट स्पीड। करेक्ट स्पीड का अर्थ क्या है? जो आपको कितनी बजे लगा दे वहां पे कोचिंग पे? 5 बजे, करेक्ट स्पीड, सही चाल। एक तो ये चीज निकालनी है आपको, दूसरा दूरी निकालनी है, डिस्टेंस, सही दूरी नहीं, दूरी तो एक ही है, दूरी में क्या सही गलत है, हॉस्टल से कोचिंग एक ही दूरी है। सही दूरी मत लिखो, डिस्टेंस डिस्टेंस केवल, है ना। अच्छा सही गलत कैसे हो गया? दूरी मतलब दूसरे रास्ते से आ जाओ ऐसा कुछ, और करेक्ट टाइम इंटरवल, सही समय अंतराल, सही समय अंतराल, ये चीज ध्यान रखना है। करेक्ट टाइप 4 पूरे का पूरा ऐसा ही है, 8 से 10 सवाल है उसमें, सारे करने आपको, ध्यान रखना। करेक्ट टाइम इंटरवल यानी कि सही समय अंतराल, सही समय अंतराल, ये 3 चीजें निकालनी हमें। समझ में आता? डिस्टेंस मतलब घर से हॉस्टल से कोचिंग की कोई दूरी होगी, वो दूरी निकालना, सही चाल जो सीधे 5 बजे लगा दे, और सही चाल तो सही समय लिया गया जो है वो भी आएगा, है ना। अब सुनो इसको हम कैसे करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम क्या है? 30। दूरी को क्या मान लेंगे? 30। औसत चाल याद करो आप, दूरी को क्या मान लेंगे? 30, 30 यूनिट, है ना, दूरी को मान लिया हमने 30 यूनिट, क्लियर, ठीक है। इन सभी चीजों को निकालने के शॉर्टकट तरीके भी हैं अलग से, है ना। पहले आप ये देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है हमें, ना। और इस सवाल में आपको रेशियो भी लगा सकते हो, वो वाला जो टास्क हमने सीखा था ना उल्टा करने वाला, दूरी सेम है कि नहीं है, चाल का रेशियो 10 से 15 है तो समय का रेशियो 15 से 10 हो जाएगा ना। इन सवालों का आप उससे भी कर सकते हैं, समझ आ रही बात, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको इस पे ध्यान देना है ना। चल तो 10 3 30, 10 30 30 ना, तो समय कितना आ गया? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट क्या है? टाइम, क्या है ये? टाइम, है ना।
ये तीन यूनिट आपका जो है टाइम है, समझ आ रही बात है ना। तो समय कितना है? तीन यूनिट। और 15 × 2 = 30, तो इधर का समय कितना है? 2 यूनिट। क्लियर? चाल है, ये समय है, और ये चाल इंटू समय से दूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 10 चाल में चाल इंटू समय बराबर दूरी। चाल कितनी है? 10। टाइम पता नहीं है, लेकिन दूरी टारगेट कितनी करनी है? 30। तो 10 × 30 ना, तो इस बहाने टाइम 3 आ जाएगा। क्या कर रहा हूं वहां पे, समझ आ रही बात? चाल गुणा समय बराबर दूरी। क्लियर है ना? अच्छा, तीन यूनिट क्या है? क्या, किसका समय, कहां का समय? 10 की चाल से यहां तक जाने में लिया गया समय। 2 क्या है? 15 की चाल से लिया गया समय। ठीक है ना? अब सुनो, इधर 3 यूनिट समय लिया, इधर 2 यूनिट समय लिया, तो दोनों ओर लिए गए समय का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 1 यूनिट हुआ क्या? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ओर लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट है क्या नहीं है? 3 यूनिट 2 यूनिट का अंतर, समय का अंतर 1 यूनिट। ये मेथड ऐसी मेथड है कि ओरली आंसर आता है कैलकुलेशन। 15 10 15 30, 3 2 1 1 = 2, तो 30 = 60, ओरली सारे आंसर आते हैं। इतनी अच्छी मेथड है। टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है, और सच में दोनों दिन में टाइम का डिफरेंस 2 घंटे का आया है क्या? एक दिन आप 6 बजे पहुंचे थे, दूसरे दिन कितने बजे पहुंच गए थे? 4 बजे। तो आपके पहुंचने में ओरिजिनल समय का अंतर 2 घंटा है क्या? तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटे आ गया, बस सवाल खत्म हो गया यहीं पे। आपके पहुंचने के समय का अंतर बताइए 2 घंटा है कि नहीं है? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा है? 2 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 2 घंटे। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन समझ में आ गया, 1 = 2 का रिलेशन है ना, 1 = 2। ठीक है, तो यदि 1 यूनिट = 2 घंटे, तो 30 यूनिट 30 × 60 डिस्टेंस आ जाएगा 60 किलोमीटर। बोला, आ जाएगा क्या? है ना, 32 = 60, 30 × 2 कितना आ जाएगा? 60। (laughs) 30 × 60 कितना आ गया डिस्टेंस आपका? 60 किलोमीटर। ये एक आंसर आ गया हमारा। दिख रहा है पीछे से ये कलर? बोलो ना। हाँ, कितना है? 1 यूनिट = 2, तो 30 = 60, डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। अब यदि समय ले आए, तो दूरी बटा समय से फिर चाल बन जाएगी आपकी। समय ले आते हैं, अब सुनो, 1 यूनिट = 2, तो 3 यूनिट = 6, कितना है? 6। ये 6 घंटे क्या है? अभी तक सब ठीक है, अभी तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रॉब्लम कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं समय में, तब यहां ध्यान से देखना है ना। अच्छा, 6 घंटे क्या है? 6 घंटे क्या है? 10 की चाल से लिया गया समय है ना। 6 घंटा 10 की चाल वाला लिया गया समय है कि नहीं है? 10 की चाल से आप समय पे पहुंचे थे क्या? हां, करिए देख लेना। 10 की चाल से आप समय पे पहुंचे थे क्या पहले दिन? 1 घंटा लेट थे कि नहीं थे? और 15 की चाल से समय पे पहुंच गए थे क्या? यहां भी 1 घंटा जल्दी थे कि नहीं थे? तो दोनों ही ओर से सही समय तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना सही समय दोनों से। 3 यूनिट = कितना है? 6 घंटा। 6 घंटा लेके आप कितना लेट थे? 1 घंटा, यानी कि सही समय 5 घंटा होना था। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। पहले दिन आपने 6 घंटा लिया था और 1 घंटा लेट थे कि नहीं थे? यदि 6 घंटा लेके आप 1 घंटा लेट थे, मतलब सही समय अंतराल 5 घंटा है कि नहीं है? तो करेक्ट टाइम इंटरवल 6 - 1 कितना आएगा? 5 घंटे। करेक्ट समय कितना आएगा? 5 घंटे। 1 = 2, तो 3 = 6, 6 घंटा 10 की चाल से लिया गया समय है कि नहीं? 6 घंटा लेके क्या आप टाइम पे लग गए थे 5 बजे? 1 घंटा लेट थे कि नहीं थे? तो सही समय 6 - 1 5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, समय में भी कोई दिक्कत नहीं है,
बस तो खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। आ गया समझ में? बोलो आया समझ में? ओरली हो गए 10 15 30, 10 3 15 2 3 और 2 का अंतर 1 बराबर 2 घंटा, 3 बराबर 6 घंटा, 6 घंटा लेके 1 घंटा लेट, सही समय 5 घंटा और सही दूरी 30 दूनी 60, तो 60 किलोमीटर दूरी, समय 5 घंटा, 60 किलोमीटर में 5 घंटा से भाग देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी 12। सही दूरी है, सही समय है, तो दूरी और सही समय से सही चाल आएगी कि नहीं आएगी, टाइम पे पहुंचाने वाली। तो 60 किलोमीटर में 5 घंटा से भाग देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में 12 आ जाएगा, 5 से 12 बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनेगी कि नहीं बनेगी, तो सही चाल क्या बनेगी आपकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये जो समय है, ये समय आप नीचे से भी निकाल सकते हो, 5 घंटे 2 बराबर 4 घंटा आएगा, जैसे 3 बराबर 6 घंटे है उसी से 2 बराबर 4 घंटे। अब आप बताओ जरा, क्या इस चाल से आप टाइम पे पहुंच गए थे, 1 घंटा जल्दी पहुंचे थे, तो सही समय 4 प्लस 1 करके 5 घंटा आएगा, 4 घंटा लेके 1 घंटा पहले पहुंच गए थे ना, तो 4 प्लस 1 करेंगे तब जाके 5 बजेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे तब जाके 5 बजाना है, कितने बजाना है, सही समय क्या है, 5 बजाना है। यदि आप इधर से 5 बजाओगे तो 1 घंटा कम करोगे, अरे इधर से 5 बजाओगे तो 1 घंटा कम करोगे, इधर से 5 बजाओगे तो 1 घंटा जोड़ोगे, इसीलिए 6 में 1 घटाया 5 घंटा आया, और 4 में 1 जोड़ा तो भी 5 घंटा आया कि नहीं आया, 4 घंटा लेके कितनी बजे पहुंचे, 4 बजे, तो 5 बजाने के लिए 4 में 1 जोड़ोगे बच जाएंगे 5, 5 घंटे लगेंगे 5 बजने में, दोनों ओर से 5 बजे की सेटिंग जमाने में 5-5 घंटे पे रुकोगे कि नहीं रुकोगे, आ रहा है समझ में, दोनों ओर से वहां रुकने के लिए 5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, 6 घंटा लिया, 6 घंटा लेके 6 बज गई, तो 5 बजाने के लिए 1 घंटा पीछे आना है आपको, तो 6 - 1 5, 6 - 1 भी 5 और 4 + 1 भी 5, तो दोनों ओर से 5-5 घंटा आएगा क्या। टाइम वाला कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए, बाकी तो सब सरल है, कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया टाइम आप लोगों को? अब सुनो, चाल दूरी बटा समय से आएगी। अच्छा, दूरी कितनी है 60 और समय कितना है 5, तो बताओ 12 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा क्या, चाल कितनी आ जाएगी 12, तो चाल आ गई, दूरी आ गई, समय आ गया। अब इस सवाल को लेने का तरीका सुनो, बहुत बड़ा दिख रहा है। पहले दिन, दूसरे दिन, इस सवाल का डिजाइन में कैसे बनाता हूं देखिए, पहले दिन 10 की चाल से और दूसरे दिन 15 की चाल से, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो दूरी कितनी आ गई, दूरी 30 यूनिट आ गई, एलसीएम लिया 10 3 30, 15 2 30, ये 3 यूनिट 2 यूनिट दोनों ओर के समय आ गए, बोलो आ गए कि नहीं आ गए। पहले दिन लिया गया समय 3 यूनिट, क्योंकि चाल गुणा समय से बराबर दूरी, चाल गुणा समय से दूरी बनेगी, चाल गुणा समय से दूरी बनेगी, 15 2 30, 10 3 30, दोनों ओर लिए गए समय का अंतर 3 यूनिट और 2 यूनिट, दोनों ओर लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 2 घंटा है क्या, बोलो है क्या 2 घंटा। आप सुनो मेरी बात, सही समय 5 बजे का लिया हमने, कोचिंग का सही टाइम 5 बजे, कुछ भी मान लो आप रेफरेंस। पहले दिन आप 1 घंटा लेट थे, कितनी बजे पहुंचे थे, ना 1 घंटा लेट, 5 बजे का सही समय माना हमने कोचिंग का, कोई भी रेफरेंस टाइम मान लो पहले, बेस सही समय 1 घंटा लेट, तो कितने बजे पहुंचे टाइम लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, 6 बजे। दूसरे दिन 1 घंटा पहले पहुंचे, यानी कि 4 बजे पहुंच गए। आप देखो दोनों दिन का आपका समय का अंतर 2 घंटे है कि नहीं है, तो 3 और 2 समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 2 घंटे, 1 बराबर 2 घंटे तो 30 बराबर 30 दूनी 60 किलोमीटर, बोलो आ जाएगा, 1 बराबर 2 घंटे है ना, तो 30 दूनी कितना आ जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, बोलो दूरी आ गई क्या, क्लियर। अब समय निकाल ले, या तो इधर से समय निकाल लो, इधर से निकाल लो, 1 बराबर 2 घंटा तो 3 बराबर 6 घंटे, बोलो आएगा क्या 6 घंटे, 3 बराबर कितना आएगा 6 घंटे, या फिर 2 बराबर कितना आ जाएगा
चार घंटे, समझ आ रही बात? छह घंटे लेके छह बजे, इधर से पांच बजाओगे तो एक घंटा घटाओगे, इधर से पांच बजाओगे तो एक घंटा बढ़ाओगे, तो छह माइनस एक पांच घंटा आएगा सही समय, चार प्लस एक पांच घंटा आएगा सही समय, छह माइनस एक कितना आएगा पांच घंटा, चार प्लस एक कितना आएगा पांच घंटा, तो सही समय पांच घंटे आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों ओर से, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो छह माइनस एक कितना आएगा सही समय आपका पांच घंटा है ना, फाइव आवर्स, तो सिक्स माइनस वन ले लो या फिर फोर प्लस वन ले लो, समय क्या आएगा पांच घंटा, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, क्या समय आएगा यहां से आपका पांच घंटा है ना, तो दूरी साठ किलोमीटर, सही समय आया पांच, साठ में पांच से भाग देंगे तो चाल बन जाएगी सही चाल बारह किलोमीटर प्रति घंटा, ये काम ओरली होना चाहिए, दस पंद्रह तीस, दस तिया पंद्रह दूनी तीन, दो का अंतर एक, एक बराबर दो घंटा, तो तीस बराबर साठ किलोमीटर दूरी, तीन दूनी छह घंटा, छह माइनस एक पांच, सही समय पांच दूरी साठ, तो चाल आएगी प्रति घंटा बारह, ये आपको सीखना ही है, रट डालना इसको, कॉपी करो इसको, आराम से कॉपी करो, थोड़ा टाइम लगेगा है ना। दूरी निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है, टाइम निकल जाएगा फॉर्मूले से सीधे, और दूरी और समय आ जाएगा सीधे, फिर चाल आ जाएगी। एक शीट दो ना मेरे को टाइम डिस्टेंस के, हो गया है कॉपी, हो गया क्या ये समझ आया? ठीक है,
मिटा दो इसको। हाँ, देखिए एक सवाल बना के दे रहा हूं, आंसर निकाल के बताना है ना। वो कॉपी वाले सवाल नहीं करो, मैं जो बना के दे रहा हूं उसको करके बताना। पहले दिन 20 की चाल है, दूसरे दिन 50 की चाल है ना। पहले दिन एक घंटा लेट है, दूसरे दिन एक घंटा जल्दी पहुंचा। समझ में आया सवाल? वही अपने हॉस्टल से कोचिंग जा रहे हैं, 20 की चाल से चला एक घंटा लेट है, 50 की चाल चला एक घंटा जल्दी है। बस हो गया सवाल, ये तीनों चीज निकाल दो इसके। बीस की चाल से एक घंटा लेट हो गया, 50 चाल से एक घंटा जल्दी, तो तीनों चीजें निकालनी है इसकी। नहीं, पॉइंट में थोड़ी ना आएगा, अच्छा आंसर आएगा। एक मिनट, पांच, ये दो घंटा जल्दी है, अभी करो। एक घंटा लेट है, दो घंटा जल्दी, अब करो। हाँ हाँ, क्या आ रहा है? सो चाल नहीं, चाल सो थोड़ी नहीं, दूरी सो है। हाँ, दूरी सो है, सही है। दूरी सो आएगी, दूरी सो। चाल 25, समय 4 घंटा। अभी 15-20 मिनट हमें इस चीज पे हाथ जमाना है, इस मेथड पर। किलोमीटर प्रति घंटे और चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटा लेट है, दो घंटा जल्दी, टाइम 12 बजे का मान लेते हैं।
एक घंटा लेट यानी कि दोपहर 1 बजे पहुंचा, और 2 घंटा जल्दी यानी कि सुबह 10 बजे ही पहुंच गया। ध्यान देना एक एक रास्ते पर, 20 और 50 का एलसीएम क्या आएगा? 100। तो दूरी मानी हमने 100 यूनिट, 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, है ना? क्लियर। अब यहां से देखिए, 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, है ना? तो दोनों के लिए गए समय का अंतर 3 यूनिट है क्या? 3 यूनिट बराबर 3 घंटे है क्या? दोपहर 1 और सुबह की 10 में 3 घंटे का अंतर है कि नहीं है? या फिर कॉमन सेंस है, एक तरफ 1 घंटा लेट है, एक तरफ 2 घंटा जल्दी है, तो दोनों दिन का मार्जिन 3 घंटे यूं भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ 1 घंटा लेट है, एक तरफ 2 घंटा जल्दी है, तो टोटल मार्जिन दोनों दिन का उस आदमी का 3 घंटे है कि नहीं है? या फिर टाइम रेफरेंस ले लो ताकि टाइम डिफरेंस पता चल जाए। ये टाइम लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होंगे। तो 3 यूनिट बराबर 3 घंटा ही है, तो बताइए 100 यूनिट बराबर 100 किलोमीटर दूरी हो जाएगी सीधे। तो दूरी तो आ गई आपकी 100, दूरी बहुत स्पीड से आएगी। 20-50 एलसीएम 100, 5 और 2, 3 बराबर 3, तो 100 बराबर 100 ओरली आएगी दूरी ऑलमोस्ट। कोशिश करो थोड़ा सा ओरली, 100 किलोमीटर है ना, 3 बराबर 3 घंटा, तो 2 बराबर 2 घंटा आ जाएगा क्या? ऐसे समझ रहे हो क्या है ये 2 घंटा? तीन बराबर यदि 3 है तो 2 यूनिट बराबर 2 घंटा आ जाएगा। और किसी भी एक तरफ से टाइम निकाल लो, दोनों तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों ओर से सेम आता है 5 घंटा। इधर से 12 बजाने के लिए 1 घंटा घटाना पड़ेगा, और इधर से 12 बजाने के लिए 2 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, बोलो ना। तो इधर से 1 घंटा घटा दो, 5 में 1 गया तो आएगा 4। इधर से 12 बजाने के लिए 2 बढ़ा दो तो 2+2 आएगा, इधर से भी 4। ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? बोलो आया कि नहीं आया? तो 4 घंटा, तो सही समय है 4 घंटा और दूरी है 100 किलोमीटर। तो चाल आ जाएगी 100 किलोमीटर दूरी बाई 4 घंटा समय, तो चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? अब क्या हो गया ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है? तो चाल आ जाएगी 25, दूरी 100 और टाइम कितना आएगा? 4 घंटे। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अब इसमें आगे आप कहां अटकोगे मैं पहले से बता देता हूं। अभी जो सवाल आएंगे कॉपी वाले आपके सामने, उसमें ना समय मिनट में दिया जाएगा। किसमें? मिनट में। तो मिनट को हमेशा आपको घंटे में बदलना है। किसमें? क्योंकि हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सारा डेटा घंटे में होना चाहिए। जब मिनट में समय आए तो उसको पहले घंटे में बदले, फिर रिलेशन बनाए, है ना? अभी करेंगे हम आगे। ये समझ में आया सभी को? एक और सवाल बना के दे रहा हूं, करके दिखाओ फटाफट। इसको कॉपी कर लो पहले, आप कॉपी करो पहले शांति से। नौ की चाल से हॉस्टल से कोचिंग गया तो 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट। और यदि 18 की चाल से गया तो 1 घंटा जल्दी, 1 आवर अर्लियर, 1 घंटा जल्दी पहुंचा। निकाल दो तीनों चीजें। क्या दूरी आ जाएगी? 36 दूरी आ जाएगी। गुड।
सही समय 3 आ जाएगा, ठीक है? ठीक, करो करो, सभी करो, सभी का आंसर चाहिए, है ना? आ गया? किस किस का है आंसर बताओ? ओके, एलसीएम 36 आ जाएगा, नहीं 18 आ जाएगा, 18। हाँ देखो, चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अब इधर एक घंटा लेट है, टाइम मान लेते 12 बजे का, एक घंटा लेट है मतलब 1 बजे पहुंचना हो रहा है, इधर एक घंटा जल्दी है मतलब 11 बजे पहुंचना हो रहा है। 9-18 का एलसीएम आएगा 18, तो डिस्टेंस आया आपका 18 यूनिट, 9 2s 18, 18 1s 18, है ना? तो ये आएगा 2 यूनिट 1 यूनिट, है ना? तो डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2 घंटे है क्या? देखो दोनों दिन में, तो 1 यूनिट बराबर 2 घंटे, 1 बराबर 2, तो 18 बराबर 36, तो दूरी आ जाएगी 36 किलोमीटर, है ना? ये डिस्टेंस आ गया आपका, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 36, ठीक है? अब 1 बराबर 2 घंटा, तो 1 बराबर ये भी 2 ही घंटा आएगा, और 2 बराबर कितना जाएगा? 4, है ना? दोनों ओर से 12 बजे सेट करना है हमें, इधर से 12 बजे का सेट करने के लिए 1 घंटा घटाओगे, इधर 1 घंटा बढ़ाओगे, तो 1 घंटा बढ़ाएंगे तो 2 और 1 3 घंटे आएंगे, और इधर से भी 4 माइनस 1 3, तो समय कितना आ गया? 3 घंटे, तो 36/3 चाल क्या आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है ये? बोलो क्लियर है? एक और, पहले दिन 30 की चाल, दूसरे दिन 45 की चाल, पहले दिन 3 घंटा लेट और दूसरे दिन 1 घंटा लेट, दूसरे दिन 1 घंटा लेट, दोनों दिन लेट है, अब ध्यान देना है ना? पहले दिन 3 घंटा लेट और दूसरे दिन 1 घंटा लेट, है ना? 30-45 की चाल है, निकाल दो सही दूरी, सही चाल और समय।
करेक्ट है। सही समय नहीं, नहीं, दोनों दिन लेट है, ध्यान रखना है ना। कितना? करेक्ट। दोनों दिन लेट है, ध्यान रखना है ना। आ रहा है आंसर? आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 180 दूरी, समय 3 घंटा और चाल 60। किस किस के आ गए? तीनों। अच्छा ठीक, चाल तीस और 45। समय सही वाला 12 बजे का मान ले, 3 घंटा लेट यानी कि दोपहर 3 बजे पहुंचना हुआ, और इधर 1 घंटा लेट यानी कि 1 बजे, दोपहर 1 बजे पहुंचना हुआ। बिल्कुल प्रॉपरली टाइम मेंशन करो तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। चलो अब 30 और 45 का एलसीएम क्या है? 90। तो डिस्टेंस माना हमने 90 यूनिट, 30 तिया 90 और 45 दूनी 90 है ना। तो ये आपका 3 यूनिट है और ये आपका 2 यूनिट है। क्लियर? दोनों दिन लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 2 घंटा। देखो 2 घंटे का फर्क है कि नहीं, 1 बजे 3 बजे में, तो 1 यूनिट बराबर 2 घंटा, तो 90 बराबर 180, तो दूरी आ गई आपकी 180 किलोमीटर है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 180। डिस्टेंस आ गया 180 है ना। अब 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6। अच्छा, यहां से 12 बजाने के लिए 1 घंटा पीछे जाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और यहां से कितना घटाना पड़ेगा? यहां 3 घटाना है, यहां 1 घटाना है। समझ में आ रही है बात? तो 6 में 3 घटाओगे तो सही समय 3 आएगा, या फिर 4 में 1 घटाओगे तो भी सही समय क्या आएगा? 3। तो सही समय 3 घंटे है ना। तो 180 किलोमीटर और समय 3 घंटे, तो चाल कितनी आ जाएगी? 60। क्लियर है? समझ गए क्या? ठीक है। टाइप 4 का सवाल नंबर 4 करना है अभी, है ना, चौथा सवाल कर दो जल्दी जरा। टाइप 4 का सवाल नंबर 4,
क्या आ रहा है? पांच। हाँ सही है ना, पांच है। पांच उसमें मिनट का है, मिनट का, तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा पहले आपको। मुझे खास जगह पर एक खास समय पर उपस्थित रहना है एवं मैं पाता हूं कि चार की चाल से चलूं तो 15 मिनट लेट हो जाता हूं। चार की चाल से, चार की चाल से यदि वो जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है ना। कितना लेट हो जाता है? 15 मिनट। 12 बजे का समय, कितनी बजे पहुंचा होगा? 12:15 पर। और दूसरे दिन यदि 6 की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 11:50 पे पहुंच गए। सिर्फ दूरी निकालना है इसमें, तो आपको 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12। तो डिस्टेंस को क्या मान लिया हमने? 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट्स, क्लियर? ठीक है, अब यहां देखो आप, 4 3 12, 6 2 12, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, समय का डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर आप देखिए कितना, 25 मिनट है ना, है ना, 1 यूनिट बराबर 25 मिनट। 25 मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 22:60 करेंगे, तो बताओ जरा 5/12 घंटे आएगा क्या? बोलो आएगा क्या? 5/12, तो कितना आ जाएगा ये? 5/12 घंटे। पांच बाय 12 घंटे है ना, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 25 नहीं, 1 यूनिट बराबर 5/12, घंटे वाला रिलेशन लेना है, मिनट वाला नहीं। 1 यूनिट बराबर 5/12, तो 12 यूनिट बराबर 12 × 5/12, तो सीधी सी बात है आप भी जानते हैं, 12 × 5/12 में 12 कैंसिल, 5 किलोमीटर आंसर आएगा क्या? सिर्फ दूरी ही तो निकालनी थी इसमें, कितना आंसर आएगा? 5 किलोमीटर। ये मिनट का घंटे में कन्वर्जन समझ आया? मिनट को हमेशा आपको घंटे में बदलना है ना, तो 25 मिनट 25/60 यानी कि 5/12 है ना, तो 1 यूनिट बराबर 5/12, तो 12 यूनिट बराबर 12 × 5/12, तो 12 कैंसिल, बताइए 5 किलोमीटर आएगा क्या? तो डिस्टेंस बराबर कितना आएगा? 5 किलोमीटर। सही समय निकाल दो जरा इसका, करेक्ट टाइम भी निकाल दो इसका, और करेक्ट स्पीड भी निकाल दो, दोनों चीजें निकाल दो एडिशनल। सही समय क्या आया?
सही समय क्या रहा है? सही समय एक घंटा आएगा। देखो मिनट में ले लो, किस में ले लो? मिनट में, या मिनट में, घंटे में, किसी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनट में लो तो इजी पड़ेगा। एक बराबर 25 तो 2 बराबर 50 मिनट। देखो ध्यान देना, है ना, 2 बराबर 50 मिनट, और इधर 3 बराबर 75, 1 बराबर 25 तो 3 बराबर 75 सही टाइम। तो इधर 12 बजे सेट करने के लिए 10 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, और इधर इधर 12 बजाने के लिए कितना मिनट चेंज करूं, बढ़ाओ या घटाओ? घटाएंगे 15 मिनट, है ना। चलो तो 75 माइनस 15 सही समय 60 मिनट आएगा, या फिर 50 प्लस 10 सही समय, बोलो 60 मिनट आएगा क्या? तो सही समय क्या आ जाएगा? 60। क्लियर है इतनी बात? क्या आएगा सही समय आपका? 60, है ना। तो स्पीड भी आ जाएगी फिर तो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा शायद डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर, समय आ गया 1 घंटा, आया ना 1 घंटा समय। तो 5 किलोमीटर 1 घंटा, तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई क्या? एक बार और, ये कॉपी कर लिया सबने? कहां प्रॉब्लम आ रही इसमें? ये दूरी निकल गई, निकल गई। 1 बराबर 25 तो 2 बराबर 50। 12 बजे का सेट करना है, 11:50 से 12 बजाने में 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा, तो 50 प्लस 10 60 मिनट, या फिर इधर 12:15 से 12:15 मिनट घटाना पड़ेगा, तो 75 माइनस 15 इधर से भी 60 मिनट, दोनों ओर से 60-60 मिनट आएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को बोलो जल्दी। क्लियर है ये? वो चित्र दिमाग में छप गया आप लोगों के, 4-5 सवाल कर करके क्या करना है, वो प्रोग्रामिंग हुई कि नहीं हुई अपने दिमाग में? हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं जो सवाल बोल रहा हूं वो करके बताना। छठा सवाल करो, 6th वाला। इसका करने का एक फॉर्मूला भी होता है, देखो फॉर्मूला बताता हूं। टाइम का डिफरेंस चाल का गुणा अपॉन चाल का डिफरेंस, ये मैं बताऊंगा बाद में आपको। टाइम का डिफरेंस कितना है? 25 मिनट, यानी कि 25/60 चाल का इंटू 4×5, इतने से में आंसर आ जाएगा इसका डिस्टेंस। 25 मिनट टाइम का अंतर है, तो 25/60 घंटे में बदलेंगे, चाल सॉरी 4 और 6 है ना, तो 4 और 6 और चाल का अंतर 2, कर लो सॉल्व, ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये हम अभी नहीं बाद में बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, है ना। इससे करो इस सवाल को, रेशियो से भी कर सकते हो ऐसे करके आप। हाँ छठे का क्या आया? 12:30। किस किस का आ गया? 12:30 छठे का। करो छठा सवाल करो जरा फटाफट जल्दी से, 6th क्वेश्चन सॉल्व करिए।
किस किस का आ गया 12.5 किलोमीटर। ओके ये ना कैलकुलेशन में टकरे लोग, रास्ते क्लियर है कैसे जाना है क्या करना है, कैलकुलेशन हो नहीं पा रही है। करो जल्दी से फटाफट से, क्या चाल है दो। पांच की चाल और छह की चाल, एलसीएम का 30, फाइव सिक्स 30, सिक्स फाइव 30, छह यूनिट पांच यूनिट डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। डिफरेंस आएगा 1 यूनिट है ना। पहले दिन 10 मिनट लेट, टाइम मेंशन करने की आदत डालो तो 12:10 पे पहुंचा। दूसरे दिन 15 मिनट पहले, 11:45 पे पहुंच गया ये, है ना। अच्छा क्या अंतर है 25 मिनट का, तो वही 5/12 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। अभी हमने चेंज किया था, 25 मिनट 5/12 घंटे होता है, तो 30 × 5/12 करिए आप। क्या निकालना है, दूरी निकालनी है ना। निकालना क्या है जरूर देखो, बेवजह टाइम निकालने की कोशिश मत करो, जब पूछा ही नहीं तो क्यों निकालेंगे। 6 5 6 2 तो 25/2, 25 का आधा 12.5 होता है, तो बताओ आएगा क्या है 12.5 किलोमीटर। टाइम टाइम इसका आएगा 125 प्लस 15, 140 मिनट आएगा सही समय। जब भी ऐसा मौका मिले तो टाइम निकाला करो, प्रैक्टिस होती है, नहीं पूछा तो भी निकाल लो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो निकाल लो। अब 7वां 8वां आप खुद से करेंगे, तीसरे पे आ जाओ। क्या पता शायद 2 ही आ रहा होगा। तीसरा सवाल करो भी, तीसरा थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या आया तीसरे का, टाइम निकालना है, टाइम 19 मिनट आएगा तीसरे का।
आ रहा 19, करते जाइए बाकी के। और क्या किस किस का है? तीसरे का आंसर चाहिए, तीसरे का आना चाहिए आप लोगों का, सभी का 19। चालीस की चाल से 11 मिनट लेट, 50 की चाल से 5 मिनट लेट, दोनों तरफ लेट है। इंग्लिश में मिसप्रिंट है ये, इंग्लिश में मिसप्रिंट है कि हिंदी में? 19 मिनट किससे आया, हिंदी से कि इंग्लिश से? हिंदी से 19 आ रहा है। हाँ, तो इंग्लिश में फिर वो 5 मिनट्स लेट है, वो 5 मिनट्स अर्लियर नहीं है, इंग्लिश में 5 मिनट्स लेट कर लीजिए उसको। 40 की चाल से 19 मिनट किस किस का है बताओ जरा। बहुत हालत खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है, मतलब क्या शब्द ही नहीं है, जाने कैसे दिमाग चलता है। ग्यारह मिनट लेट है, 12 बजे का टाइम ले लो, 11 मिनट लेट है, यानी कि 12 बज के 11 मिनट पे पहुंचा होगा ही, और दूसरी ओर 5 मिनट लेट है, यानी कि 12 5 पर, चार ओर इसका एलसीएम क्या आएगा, 200, तो डिस्टेंस 200, डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं है, 40 पंजे और 50 चौक, एक बराबर 6 मिनट है, एक बराबर 6 मिनट, तो 4 बराबर 24, अच्छा 5 मिनट घटाना पड़ेगा, तो 24 माइनस 5 करिए ना, क्यों नहीं आएगा 19। बहुत इजी है, ओरली करना चाहिए, 40 50 200 5 4 1 बराबर 6, 11 लेट 5 लेट, तो डिफरेंस 6 मिनट आएगा, सीधी सी बात है, दोनों तरफ 11 मिनट लेट और एक तरफ 5 मिनट लेट, तो मार्जिन 6 मिनट का आएगा ना, 1 बराबर 6, 4 4 6 24, 5 मिनट लेट में 24 माइनस, 24 में से 5 मिनट लेट माइनस करो, 19 आ जाएगा। सबसे इजी मेथड है ये करने का, कोई फॉर्मूला इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, सीधे 200, 50 चौक, 4 6 24, 5 कम करोगे तो 24 माइनस 5 19, या फिर इधर 5 6 30, 30 मिनट, इधर 11 घटाना पड़ेगा आपको 11 मिनट, तो 30 माइनस 11 इधर से भी क्या आएगा 19, कुछ भी तो नहीं है, 40 50 इतना लिखा, 200 5 4 1 बराबर 6, 4 बराबर 24, 5 मिनट लेट था, 24 माइनस 5 19, इतने से में आंसर आएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, डिस्टेंस आ जाएगा ना, 6/60, 1/10, हाँ 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाए, बिल्कुल सही, सही है ना, तो
हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही है। तो डिस्टेंस थोड़ी ना निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम 19 आएगा, है ना, समझ गए ना। हाँ चलो सवाल नंबर दो पे आ जाओ, ऊपर जरा आ जाओ, दो पर शांति से पढ़ो उसको। आ जाइए दो पर, आया सेकंड का आंसर आया किसी का, बोलो जल्दी से। 72 किस किस का है, 72 हाथ खड़ा करो। सभी का आंसर आना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अच्छा वो n क्या है, यदि n की चाल से जाएगा तो सही समय पे पहुंचता है, इट मींस n सही चाल को दर्शा रहा है, यानी कि आपको करेक्ट स्पीड निकालना है इसमें, n का मान निकालना है ना। n क्या है, यदि n की स्पीड से जाएगा तो करेक्ट टाइम पर पहुंचता है, इट मींस आपको क्या निकालना है, सही चाल निकालने को बोला है। n का वैल्यू यानी कि फाइंड द करेक्ट स्पीड। किस किस का है, 72 इसका, 72 बताओ जरा। ऐसा क्यों है यार केवल चार लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है इस सवाल में बताओ मेरे को जरा। वही गाना गा रहे हैं हम कल से, निकालो आंसर जल्दी से इसका। किस किस का है 72 बताओ फिर से एक बार मेरे को। अच्छा क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो आंसर में दिक्कत आ रही है आप लोगों को,
60 और 90 का एलसीएम आया होगा 180, 3 और 2 आया होगा, 1 बराबर 10 मिनट, तो 10 मिनट क्या हो गया 1/6, तो 1 बराबर 1/6, तो 180 बराबर 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, और उधर 1 बराबर 10 मिनट था ना, 1 बराबर 10 मिनट तो 2 बराबर 20 मिनट, 20 मिनट में 5 माइनस कर दो, सही समय 15 मिनट, कितना आएगा 1 बराबर 10 मिनट ना, 1 बराबर 10 मिनट, 2 बराबर 20 मिनट है ना, 5 मिनट लेट है, ठीक है 5 मिनट पहले, सॉरी 25 मिनट आ जाएगा है ना, तो 25 मिनट के हिसाब से 30 किलोमीटर का हिसाब लगा लो आप, देखो चाल क्या है 60 है ना, और फिर चाल क्या हो गई 90, एलसीएम क्या 180, 60 से 3 बार, 90 से 2 बार, 3 यूनिट 2 यूनिट, टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट आएगा, 12 बजे का टाइम मान लें आप, इधर 5 मिनट, इधर क्या था 5 मिनट, 5 मिनट लेट था ना, 12:05, और इधर 11:55, 10 मिनट का मार्जिन है आपका, तो 1 बराबर 10 मिनट, 1 बराबर 1/6 घंटे आएगा, आएगा ना 10/60, 1/6, तो 180 इंटू 1/6 30 किलोमीटर आएगा, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर, है ना। अच्छा 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना है 20, यदि 2 बराबर 20 है तो 12 बजे का सेट करने के लिए 5 मिनट जोड़ना पड़ेगा, तो 20 प्लस 5 25 आएगा, तो करेक्ट टाइम क्या आएगा 25। करेक्ट टाइम आया 25 मिनट, तो करेक्ट स्पीड निकाल लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और टाइम कितना है 25 मिनट, यानी कि 25/60, 25/60, ठीक है 25/60 घंटे, क्लियर। तो 60 ऊपर जाएगा, या फिर 5 से काटो ना इसको, 5 बार 5 से 6 बार, 5 से ये 12 बार, तो 12×6=72, तो ये आएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, क्लियर है क्या, कितना आएगा ये 72 किलोमीटर पर आवर। आप लोग कहां गलती कर रहे थे बताओ, मेरे को बताओ, मैं सुनना चाहता हूं कहां तकलीफ आ रही थी आपको, तो मेरे को पता चलेगा ना कहां गलती कर रहे थे आप। या तो देखो गलतियों के चांसेस कहां कहां हैं, एक तो वहां कि आपने वो 10 मिनट को 1/6 नहीं बदल पाए होंगे, बदल लिया था नहीं बदल पाए, मिनट को घंटे में कैसे बदलते बताया था ना मैंने, 2/60 करके बदलते कि नहीं बदलते, बोलो बदलते कि नहीं बदलते, आ जाएगा 1/6, ध्यान रखना अब है ना। अब दूसरा, अच्छा 180 इंटू 1/6 करना नहीं आता क्या, ये नहीं आता आपको, 30 कैसे आता, आता है यहां भी नहीं अटके, ठीक है। अच्छा टाइम तक नहीं पहुंच पाए, बोलो जल्दी बोलो मेरे को, मैं पूछ रहा हूं कहां गड़बड़ हुई, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा ना समझाते समय, मेरे को पता चलेगा, मैं भी तो सीख रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते कि कहां तकलीफ होती है आप लोगों को, तो पता चलेगी ना मेरे को। अच्छा तो 25 मिनट तक नहीं पहुंच पाए थे क्या, पहुंच गए थे, अच्छा अच्छा इधर किधर, ये यहां
ये एक बराबर दस तो दो बराबर बीस, दो बराबर बीस के बाद सही समय नहीं निकाल पाए ऐसा किसमें? यहां मिनट से हिसाब लगाना, यहां आपने हिसाब घंटे वाला लगाया क्या? नहीं, नहीं लगाना घंटे वाला। कौन सा लगाना? मिनट वाला। घंटे वाला लगाओगे तो भी गलती नहीं होगी, उससे भी सही आएगा। एक बराबर एक बटा छह तो दो बराबर दो बटा छह, एक बटा तीन घंटा हो जाएगा। लेकिन एक बटा तीन घंटा में फिर आपको पांच मिनट जोड़ना पड़ेगा ना, तो फिर घंटे से मिनट की लड़ाई होगी आपस में। एक बटा तीन घंटा में फिर पांच मिनट जोड़ोगे तो दोनों जुड़ने वाले या तो घंटे में या फिर मिनट में हो। तो एक बटा तीन घंटा में पांच मिनट जोड़ोगे आप, तो पांच मिनट को फिर घंटे में बदलो आप, या तो पूरा घंटे में रहे या फिर पूरा मिनट में रहे। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां की गाड़ी हमेशा मिनट से चलाओ, क्योंकि मिनट में है ना जल्दी देरी सारी मिनट में दिया है सवाल, इसलिए समय के लिए हमेशा मिनट में निकालो डाटा, घंटा मत बदलो। यहां पे एक बराबर दस दो बराबर बीस मिनट, बीस मिनट में पांच मिनट जोड़ोगे आएगा पच्चीस मिनट, ठीक है तो तीस किलोमीटर पर कर लोगे ना इसके बाद, तो ये कर लोगे तो वो क्लियर हुई आपकी समस्या। वहां से घंटे में नहीं लेना, सीधे मिनट में उठाओ डेटा वहां से टाइम निकालने के लिए, ठीक है। चलो अभी सवाल नंबर अब मैं टिक करवा रहा हूं जो सवाल आपके होमवर्क है। साढ़े छह बज गए क्या? ठीक है अभी सुनो, इस टाइप में से सवाल नंबर नौ को मत करना, सवाल नंबर नौ छोड़ के जो भी बचे हैं करके लाना। और टाइप टू इसी प्रकार के सवाल टाइप टू में थे जो हमने छोड़े थे, तो टाइप टू के ध्यान रखना है, क्वेश्चन करके लाना कल। टाइप टू में कौन से सवाल आपको करके लाना है? तेरह, चौदह, तेरह चौदह, पंद्रह मत करना, सोलह भी मत करना, सत्रह करना। तेरह चौदह सत्रह तीन सवाल करके लाना है आपको टाइप टू के, ध्यान रखना कल, है ना, नहीं करवाऊंगा मैं। हाँ